हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक की रेसिपी और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से पालक की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पालक, इसको 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है और इसे बिल्कुल ही मैंने साफ़ कर लिया है। एक एक पत्ते को मैंने साफ़ किया था जिससे इसमें कीड़े तो नहीं है। अब इसको मैं बारीक बारीक काट ले रही हूँ। तो पालक की रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से बनाई जाती है। पालक को मैंने काट लिया है एकदम बारीक बारीक, और इधर लिया है मैंने भगोना, इसमें डाल दिया है 1.5 गिलास पानी लगभग, और गैस को कर ले रही हूँ ऑन। भगोने को रख दिया है गैस पर और इसी में डाल दे रही हूँ मैं पालक। और इतना पालक था मैंने वो छोड़ दिया है, इतना पालक नहीं डालेंगे, यानी कि इतने पालक की सब्जी नहीं बनाएंगे, इसकी बनाएंगे हम कढ़ी। तो इसको हम रख दे रहे हैं फ्रिज में। तो इधर गैस पे जब तक पालक बॉयल हो रहा है यानी कि उबल रहा है, तब तक कुछ मार्केट से सब्जियां आई हैं, इनको मैं साफ पानी से धुल के और इनको थोड़ा रख दे रही हूँ, उनका पानी निकल जाएगा अच्छे से, तब इनको रखेंगे हम फ्रिज में। तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्जियाँ आई थी मार्केट से, तो ये बच्चों ने पॉलीथीन फाड़ दी है इनकी, तो मैं टोकनिया में कर ले रही हूँ। तो सब्जी को मैंने साफ पानी से धो लिया है, भिंडी है, अदरक है, खीरा है, लौकी है, और इनको धुल के मैं इधर रख दे रही हूँ। जब इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा तभी हम इनको फ्रिज में लगाएंगे। तो इस पैरदान पे मैंने इसलिए रखा है जिससे पानी जो भी निकलेगा तो इस पर इधर उधर नहीं फैलेगा, तो इसी पे आ जाएगा। इस तरीके से मैंने कुछ टेक लगा के रख दी है। तो इधर देखती हूँ पालक जो मैंने बॉयल करने के लिए रखा था उसकी स्थिति कुछ इस तरीके की है, यानी कि खोल रहा है। और इधर मेरे चाय के पड़े हुए हैं कुछ बर्तन, इनको साफ़ कर ले रही हूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं और स्टैंड में लगा दिए हैं। और इधर हमारा पालक जो था वो बॉयल हो चुका है यानी कि उबल गया है। और इधर मैंने लिया है बेसन और इधर लिया है एक डोंगा। तो बेसन में थोड़ा इतना सा लूँगी जिसे हमारे यहाँ पर उरेन बोलते हैं, उरेन लगाना, तो वही हम इसमें लगाएंगे पालक में। तो इसका एक पेस्ट बना ले रहे हैं। तो देखिए पेस्ट एकदम कितना बढ़िया बना है। तो यहाँ पे मैंने बेसन का घोल भी कह सकते हैं, पेस्ट भी कह सकते हैं, जो जो जैसे बोलता है वो बोल सकता है। तो यहाँ पे मैंने घोल बना लिया है और यहाँ पे इस बेसन को मैं इसी में डाल देंगे, ऐसे खूब अच्छे से इस तरीके से मैच करेंगे, यानी कि चलाना है इसे। इसे इसी तरीके से चलाना है और ये बिल्कुल ही इसी में मैच हो जाएगा, इसी में बिल्कुल मिल जाएगा पूरी तरीके से। और एकदम ये पानी अलग जा रहा है और ये पालक अलग है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा तो बिल्कुल ही ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में।
ये देखने में तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। और इसी तरीके से हम चलाना है इसको धीरे धीरे, और लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाना है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा सा ये मैच हो गया है, पालक और ओरेंज जो मैंने लगाया था एकदम थिक सा हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अब मैं डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। इसमें कोई भी मसाले नहीं डालने हैं, अगर आपको खाना पसंद है तो डाल सकते हैं ना। वैसे हमारे यहाँ पे जिस तरीके से बनता है मैं उसी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। और इधर मैंने कर ली है छौंके की तैयारी, तो यहाँ पे ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। और इधर मैंने हरी मिर्च 2 चौक कर ली हैं, और इधर मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको मैंने बारीक इनको कूट लिया है। अगर आपको टमाटर और प्याज खाना अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने हींग और जीरा, तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं डालेंगे हींग जीरा, और फिर उसके बाद डालेंगे मैं लहसुन और अदरक। तो हींग जीरा मैंने डाल दिया है, अब डाल रही हूँ मैं लहसुन हरी मिर्च। जब ये अच्छे से भुन जाएगी तभी मैं इस छौंके को डालेंगे इस पालक में। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें भुन गई हैं, और इसको मैं डाल दे रही हूँ इसी में इस तरीके से इसे मिला दे रही हूँ। तो पालक की रेसिपी बनके हो गई है तैयार, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको बताने या बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ एंड। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।